बीती रात एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसे सुनकर किसी का भी दिल टूट जाएगा। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट पर एक तरफ जहां सलमान खान एयरपोर्ट पर एंट्री कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके दोस्त केके का शव एम्बुलेंस से बाहर निकाला जा रहा था। हालांकि सलमान खान इस बात से बिल्कुल अनजान थे, उन्हें केके के शव के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन मशहूर बॉलीवुड सिंगर केके के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हर कोई इस हिट गायक की अचानक मौत के बाद से सहमा हुआ है। केके के देहांत के बाद सोशल मीडिया पर तमाम सेलेब्स और फैंस उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर सलमान खान ने भी केके के इस तरह से दुनिया को अलविदा कहने पर शोक जताया है। दरअसल केके के निधन की खबर सुनकर सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है कि वो भावपूर्ण आवाज जिसने हमें प्यार दिया अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। साथ ही उन्होंने केके की तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वो माइक हाथ में थामे हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह सलमान और उनकी टीम ने केके को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि फेमस सिंगर केके और दबंग सलमान एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त माने जाते थे। अक्सर सलमान की फिल्मों में केके अपनी करिश्माय आवाज से गानों को सुपरहिट कराया करते थे। इसकी शुरुआत साल 1998 में आई सलमान खान की सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम से हुई थी। इस फिल्म का सबसे सुपरहिट गाना तड़प तड़प के इस दिल से रहा, जिसे केके ने गाया था। ये गाना इतना बड़ा हिट साबित हुआ था कि जिसकी कल्पना ना तो सलमान खान ने की थी और ना ही केके ने। इस गाने के बाद केके बॉलीवुड के हिट सिंगर में शामिल होने लगे थे। अब ऐसे में केके के निधन के बाद कहीं ना कहीं सलमान के दिल पर दुख का पहाड़ टूटा है। आप इस पर क्या कहेंगे हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।